मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। वहीं अगर 21 अक्टूबर से पहले चुनाव नहीं होते हैं तो सिंधिया खेमे में बड़ा झटका लग सकता है। शिवराज सरकार में सिंधिया खेमे के दो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल मंत्री पद की शपथ लेने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है, लेकिन कोरोना काल में अब तक उपचुनाव नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि विधायक पद से इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद शिवराज मिनी कैबिनेट में सिंधिया खेमे के दो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने 21 अप्रैल को पद की शपथ ली थी। ऐसे में अब 21 अक्टूबर तक विधानसभा के लिए निर्वाचित न होने पर दोनों नेताओं को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दोनों मंत्रियों का 6 महीने का कार्यकाल 21 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। बिना विधानसभा की सदस्यता के नेता 6 महीने तक ही मंत्री पद पर काबिज रह सकता है। बताते चले कि मिनी कैबिनेट गठित करने के 71 दिन बाद शिवराज सरकार की पूरी टीम बनी, जिसमें सिंधिया खेमे के 4 विधायक और मंत्री बने, लेकिन उनका समय 2 महीने बाद पूरा होगा। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी और महेंद्र सिंह सिसोदिया, ये सभी शिवराज की सरकार में अब कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें से राजपूत और सिलावट ने 21 अप्रैल को शिवराज की मिनी कैबिनेट में शपथ ले ली थी, लेकिन 21 अक्टूबर से पहले उपचुनाव नहीं होते हैं तो दो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट की कुर्सी चली जाएगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव के अनुसार विधानसभा का सदस्य न होने के बावजूद पूर्व विधायक जो मंत्री बने हैं वो सत्र में भाग ले सकते हैं, लेकिन विधानसभा का सदस्य न होने की वजह से वो मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। बता दें कि सिंधिया खेमे के दो मंत्रियों के ऊपर तलवार लटकती हुई दिख रही है। वहीं उपचुनाव को लेकर सिंधिया के कंधे पर अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि 27 विधानसभा सीट वर्तमान में रिक्त है जिन पर चुनाव होना है। उसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में से है, जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। बहरहाल बीजेपी और सिंधिया खेमे के मंत्री अब जल्द से जल्द उपचुनाव चाहते हैं, जिससे सत्ता और मंत्री पद दोनों बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।